हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमें साइकिल में या ट्रॉली में कौन सा ब्रेक रबर लगाना चाहिए और कौन सा ब्रेक रबर किस काम के लिए बना हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि काला ब्रेक रबर लगा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो साइकिल में लगा हुआ है यह काला ब्रेक रबर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो ट्रॉली में लगा हुआ है यह जो है कि लाल कलर का ये ब्रेक रबर है। आप देख सकते हैं, इसको मैं पास से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यह लाल कलर का ब्रेक रबर है और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि जो साइकिल में लगा हुआ है यह काला कलर का ब्रेक रबर है। तो पहले मैं दोनों ब्रेक रबर के बारे में बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि साइकिल में जो काला वाला ब्रेक रबर लगा हुआ है ये नॉर्मल साइकिल के लिए है और ट्रॉली के लिए लाल वाला ब्रेक रबर ही सही है, क्योंकि वह ट्रॉली वाला ब्रेक रबर जो है लाल वाला वो ज़्यादातर ट्रॉली में ही इस्तेमाल किया जाता है और उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। तो इसको ट्रॉली में लगाया जाता है। अगर ट्रॉली में हम काला वाला ब्रेक रबर लगा देंगे तो जब भी हम ट्रॉली पे कोई सामान वजन लेके चलेंगे, जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारा ब्रेक अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा और ज़्यादा फिसल जाएगा, यानी अच्छे तरीके से वो रिम में पकड़ नहीं बनाएगा और हमारा जो है कि ब्रेक अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा। हालांकि कुछ लोग जो है कि काला वाला भी ब्रेक रबर ट्रॉली में लगा देते हैं लेकिन वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है उतना जितना कि लाल वाला करता है, क्योंकि लाल वाला अच्छे तरीके से एकदम मजबूती के साथ पकड़ बनाता है, वो एकदम पहिए को अच्छे तरीके से जकड़ लेता है और जो है कि पहिए को घूमने नहीं देता है और बहुत ही पकड़ उसकी अच्छी होती है। तो ये अगर लाल वाला ब्रेक रबर हम इसमें न लगाएं, अगर काला लगा देंगे तो मैंने बताया कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रेक रबर काला वाला लगाने से यह अच्छी पकड़ नहीं बनाएगा और लाल वाला ब्रेक रबर ज़्यादा पकड़ बनाता है और यहाँ आप देख सकते हैं काला वाला ब्रेक रबर है। तो अगर लाल वाला ब्रेक रबर आप साइकिल में लगा देंगे तो आपका ब्रेक रबर जो है कि वो बहुत ही अच्छी पकड़ बनाता है। इससे जो है कि अगर लाल वाला ब्रेक रबर आप साइकिल में लगा देंगे तो आप हल्का सा भी ब्रेक अप्लाई करेंगे या हल्का सा भी ब्रेक लगाएंगे तो आपकी साइकिल बहुत ही फास्ट तरीके से रुक जाएगी और यह जो है कि लाल वाला ब्रेक रबर आप साइकिल में लगा देंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अप्लाई आप करेंगे तो आपकी साइकिल रुक जाएगी क्योंकि इसका पकड़ बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आप काला वाला ब्रेक रबर ट्रॉली में लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर काला वाला ब्रेक रबर आप ट्रॉली में लगा देंगे तो ट्रॉली जो है कि जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो ट्रॉली फिसलती ही जाएगी, तो आप ब्रेक बहुत ही मजबूती से लगाएंगे और काला वाला आपका ब्रेक रबर बहुत ही ज़्यादा लाल वाले की अपेक्षा घिसेगा। तो लाल वाला ब्रेक रबर ज़्यादा ही अच्छा पकड़ बनाता है और काला वाला ब्रेक रबर साइकिल के लिए नॉर्मल बन के आता है, यानी साइकिल वाइकल में लगाने के लिए। हालांकि लाल वाला ब्रेक रबर लोड काम के लिए बना है, जैसे कि ट्रॉली में आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रॉली में लगा हुआ भी है लाल वाला और यहाँ काला वाला साइकिल में लगा हुआ है। तो आप इस दोनों ब्रेक रबर को देख चुके हैं और लगा भी है, इस तरीके से आप समझ चुके हैं और बताए गए वीडियो में इस वीडियो में बताए गए विधि के अनुसार आप जो है कि ब्रेक रबर के अंतरों को समझ सकते हैं और आपको किस काम में यूज करना है उस हिसाब से आप अपना ब्रेक रबर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके का ब्रेक रबर लगाना चाहते हैं। तो साइकिल में आप काला भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो लाल वाला ब्रेक रबर बहुत ही मजबूत पड़ता है, हार्ड वर्क के लिए, लोड वर्क के लिए बना हुआ है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।